हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स ग्रासिम को आज का दिन हमने ट्रीट किया था कल के लिए कुछ स्टॉक हम आपको देंगे ट्रेड करने के लिए जैसे की हैवेल्स हैवेल्स में चांसेस हैं क्योंकि ये स्टॉक आज काफी चला है करीब तीन परसेंट ये स्टॉक चला है तो कल मूवमेंट इसके अंदर बहुत बड़े मूवमेंट नहीं होंगे फिर भी क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया पर है तो इस वजह से कल के दिन आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइंग देखोगे शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर आपको पता है डिक्रीजिंग लोस या फॉलिंग लोस जब होते हैं तो हम लोग बाइंग करते हैं इसी के अकॉर्डिंग हेवल्स में आज डिक्रीजिंग लोस फॉर्म हुए हैं अगर अपने लोस ब्रेक कर रहा है सपोर्ट ब्रेक कर रहा है आपको सेलिंग है चांस तो यार तो सेल मत कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ आप इसके अंदर कल के दिन बाइंग देखोगे हैवल्स के अंदर ये तीन एरियाज हैं इन्हीं तीन एरियाज के पास से आप अपने रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट देखोगे मतलब अपने एंट्रीज के कन्फर्मेशंस एंड हैवल्स के अंदर आप बाइंग करोगे दूसरा है एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक में आज एक जो चीज हुई है इस पॉइंट को इस एक्शन को आप किसी भी स्टॉक में देखो आपको हर जगह कुछ न कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जैसे कि एक्सिस बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर इसने आज कई बार सपोर्ट लिया है सेम एरिया पर इसी जगह पर कल के समय में क्या हो सकता है अगर कल मार्केट ओपन होती है कल एक्सिस बैंक के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करोगे इस लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा आप एक्सिस बैंक के अंदर शॉर्ट सेलिंग कर दोगे इसके अंदर बाइंग नहीं करनी है कल प्राइस ने काफी बड़ा मूव दिखाया था और जिस तरह का एक बेसिक नेचर होता है कि प्राइस मूव करेगा फिर थोड़ी देर तक ये साइड भी रहेगा एंड इसके बाद में अगर इसे अप की तरफ जाना है तो अप या फिर डाउन की तरफ जाना है तो डाउन ट्रांजेक्शन देख करके और डेली टाइम फ्रेम की रीडिंग्स को देख करके एक्सिस बैंक के अंदर कल के दिन शॉर्ट सेलिंग बन रही है एंड जो दूसरा स्टॉक हमने आपको बताया है के अंदर आप बाइंग करोगे दो स्टॉक शॉर्ट करके आप अपने पास रख लोगे शॉर्ट लिस्ट करके अब बात आती है कि ये दोनों स्टॉक हमारे पास आए कहाँ से तो हेवल्स हमारी पार्मानेंट पॉचलिस्ट में हमेशा रहता है ये ऐड रहता है जब भी एक सही लेवल पर हम इसको देखते हैं हम इसे ट्रेड करते हैं दूसरा हेवल्स है, को आज हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अजय जी ने ये स्टॉक हमें शेयर किया अपने ग्रुप में है वो इसके अंदर डिक्रीजिंग रोज फॉर्म हुआ है देट्स वे हैवल्स के अंदर कल के दिन हम लोग बैंक देखेंगे सो अजय जी की वजह से हैवल्स अपने पास आया दूसरा एक्सिस बैंक को हमने स्कैनर से निकाला था स्टॉक सिलेक्शन की अपनी टेक्निक होती है जिसमें हम एक दिन पहले स्टॉक निकालते हैं तो उस टेक्निक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो उसका स्कैनर होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप लोगों को के दिन प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे वहां से जा करके आप इस लिंक को सेव कर लीजिएगा अपने पास एंड जब मार्केट ओपन हो रही है यहाँ पर मार्केट ओपन होने से पहले ही ये स्कैनर आपको ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे ये स्टॉक्स होते हैं जो कि एक नैरो रेंज में रुके हुए होते, होते हैं एक एक रेंज में फंसे होते हैं स्कैनर के ऊपर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे सबसे पहले आज का स्टॉक समझ लेते हैं ग्रासिम को हमने ट्रेड किया था एंड एक काफी अच्छा सिग्निफिकेशन ग्रासिम के अंदर आप देखोगे कल का जो एरिया था हमारा कल जहां पर प्रेजेंट सपोर्ट लिया था उसके पहले सेम डे को उसी जगह पर प्रेजेंट रेजिस्टेंस लिया और आज भी हमको वो स्टॉक उसी जगह पर मिला है ये चीज शायद यहाँ पर सबसे पहले ये एंट्री पॉइंट था के अपने अट्ठारह पर हमने अपनी एंट्री ली थी वन पर अपनी एंट्री थी, थी स्टॉप लॉस जो हमने आज का कंसिडर किया था इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था 1843.85 करीब नौ रुपए चालीस पैसे पचास पैसे के आसपास का अपना स्टॉप लॉस अब इन सभी मार्किंग्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं अब सिंपल आप एक चीज़ देखिए ज़्यादा दूर ना जाते हुए सिर्फ हम लोग एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे ज़्यादा दूर ना जाते हुए हम लोग सिर्फ एक छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क करेंगे एंड यहाँ पर देखते हैं क्या होता है एक हमने चौक मॉडल आपको बताया था और एक बी यू एस बताया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर सिंपल हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं तो प्राइस ने कल के दिन कल से एक दिन पहले यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस लिया इसी जगह पर मार्केट रिजेक्ट होती रही कल प्राइस अपसाइड की तरफ निकले और यहीं पर इसने सपोर्ट लेने स्टार्ट किया और आज प्राइस ने क्या किया सेम लेवल को ब्रेक करके इसने डाउन साइड की तरफ मूवमेंट लिए जितने स्टॉप लॉसेस वगैरह थे सारे के सारे यहाँ पर हिट हुए एंड वापस देखिए प्राइस आपका अपसाइड की तरफ इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो गौर करने वाली बात है वो ये कि प्राइस ने अपने लेवल को ब्रेक तो किया बट अप में जाने के बाद में सेम लेवल पर यह कंसोलिडेट होने लगा इसी जगह पर अब देखिए होता क्या है कि प्राइस को अगर डाउन साइड की तरफ निकलना है इस एक जगह से अगर डाउन साइड की तरफ निकलना तो फिर वो निकल जाए लेकिन यहाँ से देखिए रिजेक्शन आया प्राइस हमारा सीधे अप साइड की तरफ चला गया ये लोअर टाइम फ्रेम के हैं तभी हम लोग हायर टाइम फ्रेम पर नहीं गए हैं ये आज के एरियाज थे जहाँ पर प्राइस ने अपने रिजेक्शन दिखाए हैं अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ड्राॅइंग में समझते हैं देखिए सबसे पहला तो एक सिर्फ एक ही पॉइंट है न जहाँ पर प्राइस पिछले तीन दिन से मूवमेंट दिखा रहा है इसी जगह पर प्राइस ने हमारे रेजिस्टेंस लिए जो भी बातें हम बोल रहे हैं इनको आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्राससी में सिर्फ आज के ही दिन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए जाओ वहाँ पर आपको जब इस तरह के प्राइजेक्शन दिखते हैं या किसी भी स्टॉक में जब इस तरह के प्राइजेक्शन आपको देखें ट्रेड करने से पहले तो आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो सेम मेथड से

ये ऊपर क्या करने आ रहा है और अगर अप साइड की तरफ आना तो यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिलने चाहिए इस जगह पर यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलने चाहिए जहां से प्राइस वन डे बिफोर परसों के दिन प्राइस इसी जगह से नीचे की तरफ गिरा है ना अब अगर इसको नीचे नीचे की की तरफ तरफ तो यहीं से की गिर जाए बट प्राइस क्या कर रहा है इस एक रेजिस्टेंस को, को मार्केट ने कल के सेशन में ब्रेक किया सपोर्ट बनाया एंड सपोर्ट को मार्केट ने आज के सेशन में ब्रेक किया कल के सारे के सारे सपोर्ट चले गए ये वीकनेस ही तो होती है कल का सपोर्ट टूटा उसके एक दिन पहले का सपोर्ट ब्रेक हुआ अब अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो ये नीचे चला जाए ये अगेन ये ऊपर की तरफ क्या करने जा रहा है और उसी लेवल पर इसके मूवमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं जिस लेवल पर प्राइस हमारा सपोर्ट ले रहा था या फिर रेजिस्टेंस ले रहा था समझ रहे हैं नहीं सारे वर्ड्स बार बार घूम के आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस एक वर्ड से बहुत बार ऊब जाते हैं ये इरिटेट करने लगते हैं लेकिन मार्केट में जब हम लोगों को रीडिंग करनी है जब इसके ऊपर डिस्कशन करना है तो ये वर्ड ना चाहते तो भी आप यूज़ ही करोगे सेम चीज़ें हैं कि देखिए यहाँ पर कल के सपोर्ट्स टूट गए उसके एक दिन पहले के सपोर्ट टूट गए बट वापस से देखिए प्राइस ऊपर चला गया ये होता है स्टॉप लॉस हंट करना वापस प्राइस आपस सीधे ऊपर की तरफ चला गया और इसने यहाँ पर हमें एंट्रीज के कन्फर्मेशन दी गए सेम जगह पर आपको एंट्रीज के एंड प्राइस सीधे ऊपर हमने क्या किया ये जो स्विंग लगे थे ना ये वाले जो स्विंग लगे थे हमने जस्ट इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया ये वाला जो स्विंग था इसके जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया एंड यहाँ से ट्रेड एक्जीक्यूट हो गए हमने इन सभी स्विंग के ब्रेकआउट के अपने जो भी टारगेट थे राउंड नंबर के अकॉर्डिंग आज के टारगेट हमारे सेट थे अभी देखिए सब चीज़ हमने की है लोअर टाइम फ्रेम पर अब आप जरा डेली टाइम फ्रेम पर आ जाओ और इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम्स के थ्रू अपनी रीडिंग करेंगे जैसे कि प्रीवियस ये हमारे स्विंग पॉइंट्स हैं कुछ यहाँ पर अब हम लोग सीधे शिफ्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर एंड यहाँ पर हम लोग प्राइस को बाद में देखेंगे एंड वॉल्यूम्स को सबसे पहले देखेंगे देखिए कुछ चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही होंगी यहाँ पर अगर हम आपसे हम वॉल्यूम्स को रीड करो तो हम लोग कैसे रीड करेंगे वॉल्यूम्स की देखिए खास बात क्या हो रही है कि जो भी वॉल्यूम कमज़ोर पड़ती है जहाँ पर भी वॉल्यूम्स कम है वो इस तरह से हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि वॉल्यूम कम रह गई एंड जहाँ पर ज़्यादा है ज़्यादा क्वान्टिस्टिंग वहाँ पर है। है है। तो यह हैवी वॉल्यूम्स दिखती हैं तो ये जो दोनों का कंपैरिजन होता है ना एक्चुअली इसी को हम लोग वॉल्यूम्स की रीडिंग कहते हैं एंड जब इसे हम लोग प्राइस के साथ मर्ज कर देते हैं ऐड करते हैं ना तो फिर सिग्निफिकेशन समझ में आते हैं और वहाँ से फिर हम लोग अपने लेवल्स निकालते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए अब सिंपल वे में आप ये समझिए सिर्फ इस एक कैंडल को देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कॉन्टिन्यूअसली चार दिन तक मार्केट नीचे की तरफ आई है मार्केट नी सॉरी वॉल्यूम्स नीचे की तरफ आई हैं एक दो तीन चार पांच एंड ग्यारह को देखिए क्या हुआ कि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए इसके एक दिन पहले क्या हुआ है यहाँ भी वॉल्यूम्स कम है कॉन्टीन्यूसली प्राइस नीचे आपकी वॉल्यूम्स नीचे की तरफ आ रही है वॉल्यूम सिर्फ यहाँ की इंक्रीज हुई कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर भी वॉल्यूम्स आपकी गिर रही हैं एक बार जस्ट वॉल्यूम इंक्रीज हुई है एंड वापस से देखिए वॉल्यूम्स गिर रहे हैं कुछ मत करो सिर्फ वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग कुछ लेवल ड्रा कर लो जैसे कि ट्वेंटी एट ऑफ अगस्त आप एक ये कैंडल ले लो एक ले लो आप थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त की कैंडल और एक कैंडल ले लो आप फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर की कैंडल कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको प्राइस में होने वाले मूवमेंट समझ में आ जाएंगे देखिए तीन कैंडल्स हैं अब आप प्राइस को सिर्फ प्राइस को पकड़ो ये वाली वॉल्यूम ने कही थी आप इसका हाई मार्क कर लो दूसरा ये वाली वॉलूम्स कहीं थी आप इसका हाई मार्क कर तीसरा ये वाली वॉल्यूम हमने कही थी आप प्राइस को बाद में देखिए वॉल्यूम्स हमको बहुत कुछ शो करती हैं बहुत ये सारी रीडिंग जब हम लोग करने बैठते हैं तो दिमाग बहुत शांत होना चाहिए बहुत इतमान के साथ में अभी ग्रुप में पिछले करीब चार पाँच सेशन से जो से आपके स्टॉक्स शेयर कर रहे हैं वो शिव जी शेयर कर रहे थे कल हमने अपनी तरफ से अपना स्टॉक शेयर किया था पूरे दिन वो साइडवे रहा हालाँकि उसने स्टॉप लॉस नहीं लिया लेकिन एंट्री देने के बाद में पूरे दिन साइडवे रहा ये जितने भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कोई भी स्टॉक अगर हम आपको ट्रेड करने के लिए दे रहे हैं तो यूं ही नहीं है कि बस अगर एस एल हिट हो रहा है तो फिर वो हो रहा है तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते अब मार्केट चल जाने के बाद में कल मेरे पास एक कॉल आया था उन्होंने हमसे पूछा कि आज की मार्केट कैसी रही क्या उसके ऊपर आपने ट्रेड किया नहीं कि हमें समझ में नहीं आया कल का सेशन तो पूरी तरह से अपने लिए साइडवे मूवमेंट में ही था साइडवे कहाँ था वो तो इतना चला उन्होंने कहा साइड पे कहाँ थाने कहा ये तो मार्केट चल जाने के बाद में समझ में आता नहीं कि तो बहुत चल गया है मार्केट करने से पहले आपके एग्जीक्यूशन से पहले आपको क्या लग रहा है मार्केट स्टार्ट होने से पहले या मार्केट जब चल नहीं चली उसके पहले क्या लग रहा है हम लोगों को इस तरह से क्या होता है ना कि जब मार्केट चल चुकी होती है तो फिर हम लोग एनालिसिस करने बैठते हैं मार्केट तो इतनी अच्छी चली हम क्यों नहीं कर पाए अरे नहीं कर पाए नहीं कर पाए आपने एनालिसिस अकॉर्डिंग वो नहीं चला मार्केट आज ट्रेंड ट्रेंडिंग नहीं थी ये ऐसा मेरा मानना था ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि अगर हम ये तय कर लें कि हमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि मार्केट हमें समझ में नहीं आ रही है और हम ट्रेड नहीं करें बैठ जाए उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में एक बजे के बाद मार्केट आपकी खूब चल रही है तो हम अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे जब आप ये हरकत करने के लिए बैठ जाते हो खुद को ब्लेम करने के लिए बैठ जाते हो तो जितनी भी आपकी रीडिंग होती हैं जो भी आपने पढ़ा लिखा समझा मार्केट को जो भी एक्सपीरियंस ये हम लोग क्या करते हैं ना उसी के ऊपर उंगली उठा देते हैं कि ये सही नहीं था मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के लिए हमने आपको कल ये वाला स्टॉक दिया एक्सिस बैंक हमने क्या कहा आप लेवल के नीचे इसको जब आप अपने एंट्रीज के कन्फर्मेशन लो तो शॉर्ट कर देना अब अगर हम आपसे बोलें शॉर्ट कर देना तो इसका क्या ये मतलब है कि प्राइस कल के दिन बाई नहीं होगा अरे हो जाए चांसेस हैं कि आपका एक्सिस बैंक बाई हो जाएगा लेकिन अगर बाई हो जाएगा तो हम करेंगे नहीं क्योंकि मेरा व्यू शॉर्ट सेलिंग का है तो इसी वजह से अगर हम मार्केट को ट्रेड नहीं करने का अपना एक प्रोस्पेक्टिव बना करके बैठे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे और आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद में अगर मार्केट चल जाए तो खुद के ऊपर ब्लेम नहीं करना चुपचाप बैठे रहिए आज की मार्केट आपके लिए नहीं थी मान लीजिए ये बात मान लीजिए आपको ना इससे बहुत हेल्प लेकिन ये सारी चीज़ें पता है कब होती है हम लोग इतमान के साथ शांति के साथ बैठ करके पूरे फोकस के साथ काम करते हैं सब लोग ये बोलते हैं कि 90 परसेंट ट्रेडर फेल है 95 परसेंट ट्रेडर रीजन क्या है फेल होने का तरह तरह के रीज़न लोग देते हैं कि यार उसको आता नहीं है आता नहीं आता नहीं ट्रेड करना नहीं आ रहा ट्रेड करने पहुंच एक ये भी रीज़न है लेकिन बहुत बार क्या हो रहा है ना कि हम लोग गलत चीज़ को ही सही मान के बैठे हुए हैं एग्जीक्यूशन अगर हमें करना है मार्केट के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ना तो बहुत शांत बिल्कुल काम माइंड के साथ बैठना होगा ट्रेड करने के लिए और चीज़ें अपनी फिक्स करके रखनी पड़ेंगी ऐसा नहीं कि जब लाइव मार्केट में हम ट्रेड करने के लिए एग्जीक्यूशन के लिए तो हड़बड़ा गया है ये कर ले वो कर ले फिर हम ऑप्शन भी ट्रेड कर दें फिर हम दो लॉट कर लें चार लॉट कर लें दस लॉट कर लें सारी चीज़ें ही करना है, स्टार्ट कर दिए फिर आप कहाँ ये सारी चीज़ें कहाँ रीडिंग वीडिंग तो बहुत बाद में आता है आप रीडिंग करने के स्टेज पर ही नहीं हो आप सीधे एग्जीक्यूशन के स्टेज पर आकर के खड़े हो ये सारी चीज़ें करो तब समझ में आएगा हंड्रेड में से नाइनटी परसेंट लोग जो प्रॉफिट में नहीं है ना वो जो दस परसेंट प्रोफिट में बहुत इजी मनी लेकर के चले जाते हैं मार्केट से सिर्फ आपकी गलती की वजह से लास्ट टू लास्ट वीक आप देखो तो हमने दो ही ट्रेड एग्जीक्यूट किए हम अपना क्यों एग्जाम्पल हैं कि आप चेक कर सकते हो दो एग्जीक्यूशन किए और पूरे वीक हमने किया क्या कि हमें नहीं समझ में हमने नहीं ट्रेड एग्जीक्यूट लेकिन जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करें तो क्या उस बीच मार्केट नहीं चल रही चल फिर हम अपने आपको ब्लेम करने के लिए बैठ जाए हम ही बेवकूफ है हम समझ नहीं वो मार्केट मेरे लिए नहीं है भले ही वो अपर सर्किट लगा दें मेरे लिए नहीं है ये 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 सारी चीज़ें समझ करके जब आप काम करोगे ना तो उसमें फिर समझदारी आएगी फिर उसमें आप आप अपना एक्सपीरियंस होल्ड कर पाओगे किसी भी ट्रेड को लेन, लेने के बाद में आप उसको फिर आगे की तरफ और लंबा होल्ड कर पाओगे हमारी आधी मेरी आधी बातें तो कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आती होंगी वो जो बिगनर्स हैं वो जो स्टार्टिंग के पर तो उनको समझ में नहीं आएगा जो ठोकरे खा करके बैठे हैं जो लॉस करके बैठे हैं जिनको थोड़ी बहुत समझ आई है मार्केट में काम करने ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं ना उनको कुछ कुछ बातें समझ में आती होंगी कि हम क्या बोल रहे हैं वरना आधे लोग तो बस यूं ही देख करके गए और यही होता है वो बेचारे कैंडलिस्टिक में फंसे हुए हैं कोई स्क्रीनर में फंसा हुआ है कोई सपोर्ट रेस्टेंस में फंसा हुआ है कोई मैजिक मिल जाए कहीं से कोई गैन के पीछे पड़ा हुआ है तो कोई सूर्य और चंद्रमा से ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो सारी चीज़ें तो हो रही हैं आजकल जब चोट लगे तो चुपचाप इधर चले आना और जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें ना शांति के साथ में उन वीडियोज़ को देखना और कुछ दिन तक ट्रेड एग्जीक्यूशन अपना क्लोज कर देना सिर्फ मार्केट को देखते रहो देखो बस सिर्फ देखते रहो अब देखिए यहाँ पर तीन कैंडल्स हमने निकाली थी बातें करते तो बहुत आगे तक बातें चली जाती हैं अब इन तीन कैंडल से एक होता है कि प्राइस को हम लोग रीड करें तो करें कहाँ से कहाँ से हम लोग रीडिंग करेंगे आप इस जगह से अपनी रीडिंग्स स्टार्ट करो कैंडल्स तो इतनी सारी बनी हम लोग रीडिंग कहाँ से करें आप यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करो इस एक जगह से अब जो तीन कैंडल्स हमने निकाले हम आपसे बोलें कि यहाँ पर चलिए कैंडल्स निकालिए आप कैसे निकालोगे इसको 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 आप सबको मार्क करते चले जाओगे कुछ सिस्टम होते हैं उन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग और उन्हीं को हम समझा रहे हैं इस तरह से ये आपका व्यू रहेगा जिस तरह से आप मार्केट में अपने लेवल्स निकालोगे अब रीडिंग करो लेवल्स अपने पास ये पॉइंट ऑफ एक्शंस निकल है ये हमारे पॉइंट ऑफ एक्शंस हैं अब आप रीडिंग करो यहाँ से इसके ऊपर प्राइस ने मूवमेंट दिखाया एक हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट दिखा दिया इसके ऊपर प्राइस ऊपर गया एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखा दिया प्राइस आपका सस्टेन है अब फिर से देखिए प्राइस आपका ऊपर की तरफ चला गया यहाँ पर भी देखिए एक हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस ने कल के सेशन में

एक मदर कैंडल ये ब्लैक वाली कैंडल आप देखिए यहाँ पर मार्केट दो दिन से रुकी हुई थी वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे थे और प्राइस के भी ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे थे और प्राइस इसी जगह पर आपका रुका हुआ था वॉल्यूम सही प्राइस बाहर हो गया ब्रेकआउट हो गया ना मदर कैंडल का भी ब्रेकआउट हो गया इस लेवल के पास की, लेवल को क्रॉस करके भी मार्केट आपकी सस्टेन हो रही है और क्या चाहिए एक साइड का व्यू क्लियर हो रहा है ना ये हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम का अब आप फिर से लोअर टाइम फ्रेम पर चले जाओ फिर से लोअर टाइम फ्रेम पर अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है याद है ना अभी जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ किए थे ये बना आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है ना ये रेजिस्टेंस बन गया इसे एक यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि प्राइस आपका इसी जोन पर रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना अब यहाँ से उसने सपोर्ट्स ले लिए प्राइस आपका क्या ऊपर की तरफ चला गया समझ बना ना जो लोवो टाइम फ्रेम पर अभी हमने ड्राॅइंग्स वगैरह की थी जो समझाया था प्राइस सीधे नीचे अभी इसको नीचे की तरफ गए ना तो कल का लो और उसके एक दिन पहले के जितने भी लो वगैरह थे तोड़ करके प्राइस हमारा नीचे की तरफ निकल जाता है ये वापस ऊपर की तरफ क्या करने आ गया और डेली टाइम फ्रेम पर तो हम लोग रीड करके आए ही हैं कि ये बुलिश है सिंपल वे में जो हमने काम किया था इसी जोन के पास में अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए यहाँ पर और जस्ट स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दिया ऊपर की दिशा में टारगेट्स थे टारगेट हालांकि हमने बहुत लेट बुकिंग में बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था करीब अट्ठारह हज़ार के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन हम बुक नहीं कर पाए प्राइज़ आपका फिर सीधे सीधे धीरे 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 करके फिर नीचे की तरफ गिरने लगा तो यहीं कहीं फिर हम बाहर भी निकल गए तो ओवरऑल ये एनालिसिस थी आई होप कि समझ में आई होगी आप प्राइजेस को और वॉल्यूम्स को रीड करो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में अभी तो हमने सिर्फ डेली टाइम पर वॉल्यूम्स को रीड किया था लोअर टाइम फ्रेम पर तो किया ही इस तरह से आप लोअर टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम के ऊपर रीडिंग करो कुछ भी क्वेश्चन रहता है कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना उसको फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे और अब आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन का वो वाला हम स्कैनर देते हैं देखिए गूगल पर आप सीधे चले आओ यहाँ पर आके आप सर्च कर लो टमो नैरो कैमरीला स्कैनर यहाँ पर कॉपी ये आ जाएगा आप इसको कॉपी कर लो ओपन कर लो है ना सिंपल वे में देखिए यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगा एक्सिस बैंक मार्केट क्लोज होने के बाद में देखना नैरो रेंज का मतलब समझ रहे हैं वो स्टॉक जो कि आज के दिन में साइड वे रहा है ये देखिए ये साइड वे रहा है ना अब कल साइड वे का मतलब क्या होता है कि प्राइस किसी दो रेंजेस के बीच में ही रुका होगा यहाँ पर दो रेंज से हमारा मतलब ये है कि फर्स्ट वाला जो आपका बनता है वो रेजिस्टेंस होगा और सेकेंड वाला आपका सपोर्ट हो सकता है दोनों ही चीज़ें बन सकती हैं कि प्राइस आपका जितना अच्छे से सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा हो उतने अच्छे से रेजिस्टेंस को इस तरह से एक तो ये एक्शन बन सकता है स्टॉक्स को ट्रेड करने की काफ़ी सारी टेक्निक हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी उन टेक्निक्स का यूज़ करो ये बना यहाँ पर क्या हुआ ना कि रेजिस्टेंस वगैरह को बिल्कुल सेम इसने रिस्पेक्ट किया है अब इसको जस्ट हम लोग जो दूसरे प्राइजेक्शन आप देख सकते हो कि सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से मार्केट लेते हैं लेकिन रेजिस्टेंस उतनी अच्छी तरह से नहीं लेता इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं अब जैसे यहाँ पर सपोर्ट पर सपोर्ट लिएगे वैसे आप रेजिस्टेंस पर इमेजिन uh, करो कि रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से मार्केट रिस्पेक्ट करेगी लेकिन सपोर्ट नहीं करेगी तो उस केस में फिर हम लोग रेजिस्टेंस को उतनी तरजीह नहीं देते उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हम लोग सपोर्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं सेम चीज़ हमने एक्सिस बैंक में की यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस उतनी अच्छी तरह से मार्केट नहीं ले रही है यहाँ पर यह हमारा हाई था रेस्ट्रेंस उतनी अच्छी तरह से मार्केट नहीं ले रही जितनी अच्छी तरह से सपोर्ट ले रही है हम क्या करेंगे अगर कल के सेशन में प्राइस ने सपोर्ट तोड़ दिया तो फिर आप लोग एक्सिस बैंक को कर दो शॉर्ट और जो भी प्रॉफिट हो वो आपका <laughs> लेकिन रिस्क और मनी को मैनेज करते हुए ही काम करोगे आंधा धुंद नहीं कि आंखें बंद करके बिल्कुल और जितनी लीवरेज आपके पास थी जितना अकाउंट था उस सबकी आपने लीवरेज ले लो सबसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया ऐसा मत करना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत तो बड़ा वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ थैंक्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट कर दीजिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक्स गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन